वेल जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं आगे हमारी द हिंदू की तरफ से जो कैम आती रही है कि हम डिस्कशन करेंगे और नए वर्ड्स ऐड करेंगे अपनी। तो पहला हमारा वर्ड है अमाउंसमेंट। पहली बात तो नाउन है कि हमें मालूम है किसी वर्ड के लास्ट में इवेंट लिखा मिले तो आप हमेशा नाउन लिखते हैं। देखो वाउच का मतलब होता है डिक्लेयर करना। वाउच का मतलब क्या होता है? घोषणा करना, डिक्लेयर करना। जैसे आप बोलते हो आई वाउच फॉर हर ऑनेस्टी, यानी कि मैं उसकी ऑनेस्टी की गारंटी लेता हूँ। वाउच का मतलब गारंटी लेना, डिक्लेयर करना होता है। तो अवाउचमेंट का मतलब होता है गारंटी, डिक्लेरेशन, है ना। तो घोषणा को क्या बोलते हैं? पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ ट्रुथ एंड और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। जिम्मेदारी से कुछ कह रहे हो, गारंटी ले रहे हो, घोषणा कर रहे हो, ये सब क्या अवाउचमेंट। तो याद करने का तरीका क्या है? वाउच, वाउच का मतलब क्या होता है? घोषणा कर। तो सिनोनिम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन, एसर्शन। एसर्शन, एसर्ट वर्ड कहाँ से आया है? दबाव देने से। तो आप दबाव देकर कोई बात कर रहे हो, एसर्ट कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, और अगर प्रश्न उठा रहे हो उसके ऊपर तो क्वेश्चन कर रहे हो, एंटोनिम उनका क्वेश्चन। डिस्प्यूट, विवाद होगा, क्या आपको डाउट है उसके ऊपर डिस्प्यूट है। सिंपल वर्ड है अवाउचमेंट, बना कहाँ से है? वाउच से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैंग। देखो जो पैंग हमारा वर्ड है ये कहाँ से बने? इसको याद करने के लिए नेमोनिक है कि पंगा ले रहे हो। अगर आप किसी को पंगा ले रहे हो या कोई आपसे पंगा ले रहा है तो आपको पेन होगा। शार्प पेन के लिए क्या लिखा जाता है? पैन, ठीक है ना। तो मीनिंग है अ सडन शार्प पेन और पेनफुल इमोशनल स्टैंग, स्टिंग, डिस्कम्फर्ट। और पेन और तो डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सिर्फ एंटोनिम क्या है? एड। एड का मतलब होता है सुख मिलना, आराम मिलना। असिस्ट मतलब साथ, कम्फर्ट। ये क्या बनेंगे इसके एंटोनिम होंगे? ही एक्सपीरियंस अ सडन पैंग ऑफ कॉन्शियस, उसको अचानक से एक पीड़ा महसूस हुई। पैंग ऑफ कॉन्शियस का मतलब होता है जैसे आपने कोई काम गलत काम किया, आत्मा से बात नहीं, गलत काम हो गया। इट्स अ पैंग ऑफ कॉन्शियस, पैंग का मतलब होता है आत्मा से पीड़ा निकले, ऐसा इसका मतलब। तो यहाँ पे देखते हैं पैंग का यूज करके यहाँ पे द फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम दैट समवन मे हैव आफ्टर मेकिंग मिस्टेक और बैड डिसीजन। क्या मैं कोई गलत निर्णय लिया, गलत डिसीजन लिया, तो गिल्ट फील हो रही है, तो ये पैंग की फीलिंग, ये गलत हो गया, ये पैंग की फीलिंग। ओके नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट। रेस्ट वर्ड को याद करने के लिए हम यूज करेंगे नॉर्मली रेस्टलर। अब रेस्लर क्या करते हैं? एक रेस्लर दूसरे की बेल्ट खींच लेता है। तो रेस्ट करना क्या होता है? खींचना। रेस्लर क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं बेल्ट नहीं खींचने को। तो खींचने को टू ड्रॉ बाय फोर्स और विद एफर्ट, कोई चीज जोर लगा के खींचना क्या होता है? पैंग करना। इसकी सिनोनिम में रेंच, पुल एंड एक्सट्रैक्ट। और खींचने के लिए क्या? रेस्ट करना, रेंच करना, पुल करना, एक्सट्रैक्ट करना। और डालने के लिए क्या है? इंसर्ट करना, इंस्टिल करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं आई मैनेज टू रेस्ट द फोटोग्राफ फ्रॉम हिज ग्रास्प, उसकी पकड़ से मैंने रेस्ट करने की ट्राई करी, फोटोग्राफ खींचने की ट्राई करी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेल्फियस्ट। ये वर्ड कहाँ से आया समझते हैं? ये वर्ड आया स्टील से। ये वर्ड किससे आया? स्टील से। स्टील का मतलब चोरी करना होता है। क्योंकि अगर कोई एक बोलते हैं स्टेल्थली डन, ऐसा बोलते हैं इडियम में, स्टेल्थली, यानी कि चोरी चुपके किया गया। तो याद रखना स्टील, स्टेल, स्टेल्थली, स्टेल्थियस्ट, इन वर्ड्स का कनेक्शन चोरी से। तो क्या लिखा है? Behaving done or made cautiously or surreptitiously का मतलब होता है चोरी चुपके। अगर कोई काम चोरी चुपके किया गया है उसके लिए हम वर्ड लिखते हैं stealthily, stealthiest, steal, ठीक है ना। तो furtive, furtive का मतलब भी क्या होता है? चोरी चुपके किया जाने वाला, ठीक है ना। secretive तो सिंपल ही है, जो secretly किया गया वो secretive है। clandestine, जिन्होंने पहले की वीडियोस देखी उनको clandestine जरूर पता होगा। clandestine का मतलब भी क्या होता है? चोरी चुपके किया गया। और open and public क्या बन गया इसका एंटोनिम? उसे देखते हैं कैट्स आर अमंग द स्टिल्थीएस्ट ऑफ स्टॉकर्स। कैट क्या है? बिल्ली है, वो बिल्कुल शिकारी। स्टॉकर क्या होता है? शिकारी। स्टॉकर क्या है? शिकारी। सबसे ज्यादा स्टिल्थीएस्ट शिकारियों में से एक है बिल्ली। स्टिल्थीएस्ट का मतलब चोरी चुपके काम करने वाला, पता लगे कब आई है। नेक्स्ट बार बड़े एवर मोर, एवर मोर, एवर और मोर, मोर का और ज्यादा, और ज्यादा। एवर का मतलब हमेशा, जो हमेशा के लिए बना रहेगा वो क्या है? एवर मोर। तो जैसे इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? ऑलवेज, फॉर एवर, एटर्नली। एटर्नल का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई ना बिगनिंग है ना एंड है, उसको बोलते हैं एटर्नल। जो हमेशा के लिए रहेगा वो एटर्नल। तो एवर मोर का मतलब क्या है? एंटोनिम क्या बन जाएगा? नेवर, नेवर मोर, नेवर। ओके एडिटर डिसीजन इज फाइनल एंड शैल एवर मोर रिमेन सो। एडिटर का डिसीजन भी फाइनल है और ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, एवर मोर ये ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं हेडलॉन्ग। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? हेडलॉन्ग का मतलब होता है जल्दी जल्दी, हड़बड़ाहट, ठीक है ना। हेडलॉन्ग इन रश,
है ना, हड़बड़ी के सारी रश्ड सडन। नेक्स्ट क्या है, डेलिब्रेट मतलब आराम से रिलैक्स होकर दूंगा, अनहरिड कैलकुलेटेड सोच समझ कर काम कर, दो सूरज हेडलॉन्ग जर्निंग द लेटेस्ट क्रेज, मतलब कि हेडलॉन्ग का भी आप याद रख लो, जल्दी जल्दी में सडन हड़बड़ी में कुछ करना चाहते हैं हेडलॉन्ग का। नेक्स्ट वर्ड बने ऑब्ड्यूरेशन, जो कि इसे बने ऑब्ड्यूरेशन, और समझते हैं ये वर्ड कहाँ से आया है, ऑब्ड्यूरेट से आया, और ये ऑब्ड्यूरेट वर्ड कहाँ से है, डी यू आर से, और डी यू आर किस पर इंडिकेट करते हैं, ड्यूरेशन को इंडिकेट, यानी कि टाइम को इंडिकेट, ड्यूरेशन का मतलब समय। अब देखो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हीट को बोल सकते हैं, जो लंबे समय तक बना रहता है वो ऑब्ड्यूरेट होता है, ठीक है ना, और इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेशन, क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेशन। तो डी वर्क इसका रूट है समय का, डी वर्क से ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट ड्यूरिंग, ऑब्ड्यूरेसी हीट कण को बोलते हैं ऑब्ड्यूरेसी, और हीट को क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेट। तो देखो सुनोन के ऑब्ड्यूरेटनेस, ऑब्स्टिनेंसी, ऑब्स्टिनेट कौन होता है, जिद्दी को क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट है, स्टबर्न है, है ना, तो जिद्दी को इंडिकेट कर, और ब्रॉड माइंडेडनेस यानी कि खुले दिमाग, रिलैक्स्ड, ओपन माइंडेड, रीजनेबिलिटी, ठीक है ना, रीजनेबल का जो कानून को समझेगा और बदल जाएगा, लेकिन जो स्टबर्न होगा वो बदलेगा, जो ऑब्ड्यूरेट होगा बदलेगा नहीं, ठीक है ना, जो बात दिमाग में फंस गई होगा इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हिज एरर वाज शेयर ऑब्ड्यूरेसी, कि उसकी गलती क्या थी, पूरी ऑब्ड्यूरेसी थी, कि पूरी जिद थी उसकी, ठीक है ना। तो ऑब्ड्यूरेट को आप कनेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग से, ड्यूरेशन से, और लंबे समय तक चलने वाला जिंदगी, ये सब ऑब्ड्यूरेट होता है। नेक्स्ट वर्ड है एनक्रस्ट, अब एनक्रस्ट को हम याद कैसे करेंगे, क्रस्ट से, क्रस्ट का मतलब होता है पपड़ी, किसी भी चीज के ऊपर जो कवर बन जाता है उसका क्रस्ट होता है, और एनक्रस्ट का मतलब क्या होगा, कवर करना, कवर करना क्या होगा, एनक्रस्ट करना, ठीक है। तो अभी आप कोएगुलेटर नहीं करते इसके अंदर, कवर करने में क्या बोलेंगे, एनक्रस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड बड़े गलीबल, देखो पहले ही पढ़ लेते हैं सेंटेंस, शी अराइव्ड होम विद हर नीज एनक्रस्टेड विद मड, वो घर पहुंची अपने नीज की एनक्रस्टिंग मड से, कवर्ड थी, कवर्ड के लिए क्या लिखा जाता है, एनक्रस्ट। गलीबल, गलीबल पहली बार तो एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है किसी वर्ड के लास्ट में एबल या इबल लिखा मिले क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, और जो किसी की बातों में सनी सह रहे थे वो क्या होते हैं, गलीबल होते हैं। देखो इसके लिए हमने और भी वर्ड्स पढ़े हुए हैं, क्रेडलेस, ओवर ट्रस्टन, इजीली डिसीव, डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना, डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना, और इजीली डिसीव जो आसानी से धोखे में आ जाता है, गलीबल होता है, बातों में आ जाता है, ओके, इजीली डिसीव है। ओवर ट्रस्टिंग जो जल्दी से ज्यादा भरोसा कर लेता है किसी के ऊपर, क्रेड किसका रूप था, भरत विश्वास का रूप है, हमने पढ़ा हुआ है कि इंग्लिश में अगर क्रेड लिखा मिले ये भरोसे को इंडिकेट करता है, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था क्रेडिबल, जिसपे आप यकीन कर सकते हो, जिन बातों पे आपको यकीन आ जाते हैं वो बातें क्रेडिबल होती है, और क्रेडलेस का मतलब होता है जो दूसरे लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेता है, वो पर्सन क्या होता है, क्रेडलेस होता है, ठीक है। और मिसट्रस्टफुल क्या होता है, जो विश्वास नहीं करता आसानी से, सोफिस्टिकेटेड यानी कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह करता है, यानी कि क्या सोच समझ कर काम करता है, वो होता है सोफिस्टिकेटेड, सिनिकल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम याद कर रहे हैं गलीबल, क्रेडलेस, ओवर ट्रस्टिंग, इज दिस इज सोफिस्टिकेटेड, मिसट्रस्टफुल। अब पढ़ के देखते हैं, ही सो गलीबल ही विल बिलीव एनीथिंग, वो इतना भोला है कि हर एक बात पे विश्वास कर लिया। सोलेस, देखो सोल वर्ड इंग्लिश में अकेले को इंडिकेट करता है, हमने पढ़ा होगा, अगर एसओ में लिखा मिले ये अकेले का रूप है, सोल से हमारा वर्ड बनता है सोलिट्यूड, सोल से वर्ड क्या बनता है, सोलिट्यूड यानी कि अकेलापन, और अगर कोई अकेला है, तन्हा है, तो आप जाते हो उसके पास, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ, तो आप उसको सोलेस कर रहे हो, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, उसको सोलेस कर रहे हो। अब किसी को सोलेस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसको कंफर्ट दे रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, कंसोल कर रहे हो आप, कंसोल किसी के साथ जुड़ जाना, कंसोल करना, आश्वासन देना, कंफर्ट देना, और उसका उल्टा क्या होगा, किसी को परेशान करना, डिस्ट्रेस करना, एंग्विश करना, सिंपल वर्ड्स है बिल्कुल। एग्जाम्पल लेते, शी स्माइल्ड एज दाउ सोलेस्ड बाय द मेमोरी, वो इस तरह से हंसी जैसे किसी पुरानी याद ने उसको सोलेस कर दिया, यानी कि आराम पहुंचाना। तो सोलेस का मतलब होता है आराम पहुंचाना, कंसोल करना, आश्वासन देना, ये सब सोल। तो ये अपने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, एक मिनट लगेगा, सारे वर्ड रिवाइज कर लेते हैं। पढ़े पहला वर्ड हमारा था अवाउचमेंट, वाउच से पढ़ा, वाउच का मतलब अनाउंसमेंट करना, डिक्लेरेशन करना, डिक्लेरेशन को बोलते हैं। सेकेंड है पैंक, पैंक को हमने पंगे से किया था, अगर कोई पंगा लेगा तो हर्ट करना किसी को, पेन फील करवाना। रेस्ट, रेस्टलर से किया था, खींचना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टील, थीस्ट, स्टील से मतलब चोरी करना, सुविधा बना हुआ है। एवर मोर,
हमेशा के लिए बना रहेगा। हैंड लॉन्ग जल्दी में, ऑब्ड्यूरेसी वर्ड हमने DUR से पढ़ा था, ड्यूरेशन ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेसी को ढील फर्म, ऑब्ड्यूरेट क्या होता है ढील वृद्धि। एनक्रस्ट को हमने क्रस्ट से पढ़ा था, क्रस्ट का मतलब ऊपर की लेयर, एनक्रस्ट का मतलब कवर करना। नेक्स्ट है गलीबल एडजेक्टिव, एक दूसरों की बातों में जो आ जाता है वो गलीबल होता है। सोलेस का मतलब आराम पहुंचाना, सांत्वना देना, आश्वासन देना, ये सब सोलेस है। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।